वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारे स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम इन द लाइव क्लास, वेलकम। तो बताइए कैसे हो, अभी तक जो पढ़ाई हुआ है उससे चीज़ें जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मौली मुखर्जी हेलो, सोनल शुक्ला, शौर्य शोहर्दो, शिखा वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम जी वेलकम। सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम एंड सीरीज के बारे में। गेट में कुछ सवाल आते हैं, उन सवाल जो आते हैं उसके ऊपर बेस्ड पढ़ाई हम कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 12 दिन का कंजिक्यूटिव क्लास चलने वाले हैं और 12 दिन का जो क्लासेस चलने वाले हैं गेट एप्टीट्यूड के लिए, वो क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। चैताली गुड मॉर्निंग जी, सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ। यस, सो स्टूडेंट्स को बताए, पहला दिन वी हैव टॉक्ड अबाउट सिलोजिसम, पहला दिन हमने सिलोजिसम के बारे में बात किया। सेकेंड डे, ऑन द सेकेंड डे वी हैव टॉक्ड अबाउट नंबर सिस्टम एंड सीरीज, पहला लेक्चर हुआ था। एंड टुडे इज द थर्ड लेक्चर, हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर सिस्टम एंड सीरीज पार्ट टू। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू मोर कंसेप्ट व्हिच आर नेसेसरी फॉर गेट एग्जामिनेशन। स्टूडेंट जल्दी जल्दी कमेंट करिए कौन कौन आ चुके हो। The first thing we have to know, the first thing we have to talk about, the first thing we have to know, it's about numbers, something called number of trailing zeros, okay? Something called number of trailing zeros, mere student, jiske baare mein hum padhai karenge, jiske baare mein hum question solve karenge, so that you can understand the topic, okay? So, very good morning Priya, welcome, welcome, welcome. Main dekh sakta hu, abhi tak saare student nahi aaye ho, to jaldi jaldi jud jaiye, we are going to start the class soon. जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास सून। यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो देखिए, द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। इसका मीनिंग क्या है जी? बहुत सिंपल बात है, अगर मैं आपको कहूँ कि 3, 2, 5, 6, 000, इसमें नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो क्या है, तो आप कहोगे 3 जीरोज है, आप कहोगे 3 जीरोज है। तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल तो, लव फ्रॉम बर्धमान, वेलकम जी वेलकम, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, एक एक घोष वेलकम। तो देखिए, अगर ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछेगा आपको तो कोई मुश्किल नहीं है, 3, 2, 5, 6, 000, इसमें ट्रेलिंग जीरोज क्या है, तीनों जीरोज है, सिंपल बात है। लेकिन ऐसा सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, हाँ या ना, आप मुझे बताइए। तो ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा तो कैसा सवाल पूछा जाएगा, ये हमारे सवाल है। अभी हमारे स्टूडेंट, आप मुझे बताइए, अगर आपको कोई क्वेश्चन करेगा कि क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस आर देयर इन 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, इसमें कितना ट्रेलिंग जीरोस है, ठीक है? अगर कोई आपको सवाल पूछेगा हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस आर देयर, हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस आर देयर इन दैट पर्टिकुलर नंबर, आपको पता है प्रोडक्ट करने के बाद एक नंबर ही आपको मिलेगा, प्रोडक्ट करने के बाद एक नंबर ही आपको मिलेगा। जस्ट वन मिनट, ओके तो क्या कह रहा था आपको मैं कि हाउ मेनी ट्रेलिंग जीरोस आर देयर इन दिस, तो आपको पूछा गया है इसमें कितने ट्रेलिंग जीरोस है।
यानी कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर्स आने वाले हैं उसके एंड में कितने जीरोस होने वाले हैं। तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट मेरे स्टूडेंट, बहुत सिंपल आइडिया है। अगर आप देखोगे कि जीरो आता है तो किस कारण पे आता है, सिंपल बात है मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो का जन्म होने के लिए दो नंबर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, एक है दो और दूसरा है पांच। टू एंड फाइव, इन दोनों को अगर क्रॉस करवाते हो आप, यू आर गोइंग टू गेट जीरो यानी टेन। हर बार जब जितने बार दस आते हैं उतने बार ही जीरो आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। जितने बार दस आते हैं उतने बार ही जीरो आ जाते हैं। तो दो और पांच, इन दोनों को क्रॉस करवाने के बाद आपका मिल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके, आपको क्या मिलेगा जी, जीरो मिलेगा। जस्ट वन मिनट स्टूडेंट्स, वेरी सॉरी स्टूडेंट, आई हैव टू स्टॉप बिकॉज ऑफ सम रीजन, समबडी हैज कम, वन ऑफ द रीजन। सो बार बार मैं कह रहा था आपको कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का अर्थ होता है कि एंड में कितना जीरो होता है। अभी देखिए यहाँ पे दो और पाँच, एक दो ऐसा नंबर है, ये दो मिलकर जीरो का जन्म देते हैं। तो अगर आप ये नंबर स्पैन को देखोगे, इसमें जितना टू है और जितना पाँच है वो दोनों मिलकर जीरो का जन्म देगा। अभी देखिए दो और पांच यहाँ पे मिलकर एक जीरो देने वाले हैं, जो जीरो एंड पे जाके लगेगा। उसके अलावा टेन में एज इट इज एक जीरो होता है, क्योंकि दस इज नथिंग बट टू गुना पांच। तो दो और पांच ये दोनों मिलकर जीरो का जन्म देता है। तो आपको क्या काउंट करना है जी, आपका आपको काउंट करना है नंबर ऑफ टू और नंबर ऑफ फाइव। जैसा मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ टू भी आ चुका है पांच, नंबर ऑफ टू कितने बार आएगा देखो, नंबर ऑफ टू यहाँ पे अगर आप देखोगे दो में एक है, लेट मी मार्क विथ रेड मार्क, दो में एक है, चार में दो है क्योंकि टू क्रॉस टू, अच्छा छह में कितना है, टू क्रॉस तीन और एक है, तो वन टू थ्री फोर, यहाँ पे देखिए तीनों है, टू इंटू टू इंटू टू, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, और आठ हो गया। तो आठ मिनी दो है, और पांच कितना है, पांच यहां पे एक है और यहां पे एक है, दो पांच है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, कोई भी नंबर्स में से फैक्टर में, फैक्टर क्या है कल बता चुका हूं मैं आपको, फैक्टर्स में कितने टू है और कितने पांच है ये ढूंढकर निकालना है, कितने दो है और कितने पांच है ये ढूंढकर आपको निकालना है। इन सिंपल लैंग्वेज आप देख सकते हो, नंबर ऑफ दो ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, नंबर ऑफ फाइव कम आएगा। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए, दो तो थोड़ी ही देर देर में आएगा, टू में आएगा, चार में आएगा, छह में आएगा, आठ में आएगा, दो आएगा दो के गैप में, फिर से बता रहा हूं, दो आएगा दो के गैप में, लेकिन पांच आएगा मेरे प्यारे दोस्तों पांच के गैप में। तो सिंपल बात, जितने स्पैन में नंबर ऑफ टू रहेगा उससे नंबर ऑफ पांच कम रहेगा। क्या आप मेरे साथ अग्री करते हो, हाँ या ना बताइए? क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो, हाँ या ना बताइए? यस और नो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। वेरी गुड मॉर्निंग ममता, स्वाति, मौली, आकांक्षा, ईशा रॉय चौधरी, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वाति, मौली, आकांक्षा, अंजलि, वेरी गुड, ये अग्री करते हो। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का अर्थ होता है नंबर ऑफ टॉप पांच और नंबर ऑफ दो अगर आपको मिल जाएगा तो नंबर ऑफ पांच जो कम होता है उसी का नंबर आता है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। ऐसा क्यों सर? क्योंकि यार पांच जितना कम है, पांच जितना है, ये जो बॉक्स है, ये जो बैक है, उसमें से अगर दो दो आके लाके आप पांच के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक पांच के लिए पांच गुना दो दस मिलेगा, दूसरा पांच के लिए पांच गुना दो दस मिलेगा। तो नंबर ऑफ फाइव जो आएगा वही नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस आएगा। तो ये कैसे ढूंढना है नंबर ऑफ फाइव किसी भी स्पैन में? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो एक्सपेंशन मैंने लिखा इसी को 10 फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल का अर्थ और कुछ नहीं, 5 फैक्टोरियल का अर्थ होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये है आपका स्ट्रक्चर। फैक्टोरियल से ही ये सवाल बार बार पूछा गया है। तो अभी देखिए, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और मैकेनिकल तरीके से बताऊंगा उस सवाल को सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद ऐसे कोई भी सवाल को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। फोर्टी एट फैक्टोरियल पे कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं निकालने का वे मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, 48, 47 ऐसे करते करते अगर आप लिखते जाओगे तो बहुत वक्त जाएगा और ये वक्त जाया करके भी कोई फ्रूटफुल जवाब नहीं आएगा। तो ये वे नहीं हो सकता, पहली बात ये वे नहीं हो सकता। तो वे क्या है सर? जो नंबर है 48 उसको 5 से डिवाइड करो, बहुत सिंपल वे है। और ये एक बॉक्स कहते हैं, इसको हम बॉक्स कहते हैं। बॉक्स ऑफ समथिंग का अर्थ होता है डेसिमल पार्ट नहीं लोगे, ओनली इंटीजर वैल्यू लेंगे आप। मतलब 48 को अगर 5 से डिवाइड करोगे, देखिए 5 9 45 आता है, पॉइंट देने के बाद 30 आता है, तो 5 6 30 आता है। तो ये पॉइंट वाला पार्ट आप बिल्कुल नहीं सोचोगे। इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अर्थ क्या है मैं समझा रहा हूं, ग्रेटेस्ट इसका मीनिंग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर आप यहां पे देखोगे, लेट से 27 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, क्या होता है? 5 5 25.2 आएगा, पता है ना आपको डिवीजन? 5 5 25.2 आएगा, पॉइंट देकर 0, 5 4 20। तो देखिए 5.4, जब भी मैं इसका बॉक्स लगाता हूं, सॉरी यानी कि इसमें बॉक्स लगाता हूं, तो सिंपल बात होता है कि 5.4 से छोटा कौन सा इंटीजर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल 5.4। ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स का अर्थ है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर क्या है कल के क्लास में बताया मैंने आपको, लेस और इक्वल 5.4। अभी देखिए 5.4 इंटीजर है नहीं, 5.4 से छोटा इंटीजर कौन है? ऑब्वियसली 5 है, जो सबसे बड़ा है 5.4 के करीब है और सबसे जो आपका क्या है इंटीजर है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो 48 बाई 5 करके क्या आ गया जी? 9 आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी इस 9 को आप 5 से डिवाइड करोगे बॉक्स के अंदर, 9 को अगर 5 से बांटोगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जाता है
उसके बाद चार रिमाइंडर आता है तो पॉइंट देकर करना पड़ेगा, तो एक ले लो और एक से वो पांच बार बांटोगे ऑब्वियसली जीरो आएगा, क्योंकि जीरो पॉइंट समथिंग होता है, 0.20 आता है, इंटीजर पार्ट आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पूछा गया था नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस क्या है, आप बताओगे देयरफोर द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, देयरफोर द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस दैट शुड बी इक्वल 9 + 1 + 0 दैट इज इक्वल 10। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इतना इजी है, 9 + 1 + 0, 9 + 1 + 0 यू आर गोइंग टू गेट द नंबर, 9 + 1 + 0 दैट मींस 10 एंड दैट शुड बी द आंसर। इतना इजी है, क्या समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताइए, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कैसे ढूंढना है समझ में आया कि नहीं आया बताइए। और भी एग्जांपल लेकर हम खेलेंगे तो कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है जी, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ट्रेलिंग जीरो ढूंढना कैसे होगा, बस 5 से डिवाइड करो और काम करो। अभी देखिए एक सवाल आया था एग्जाम में, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 100 फैक्टोरियल, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं मेरे स्टूडेंट, ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस इन हाउ मेनी जीरोस आर देयर, सिमिलरली वो पूछ सकते हैं हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, ठीक है, सेम बात है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। ऑप्शन सर मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन ए 24, 24, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 23, ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, सर सारे डिजिट को 5 से डिवाइड करेंगे, जी हाँ 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि उससे नंबर ऑफ 5 निकाल के आते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आपको 10 के अंदर कितने 5 है, आपको बताए 5 में होगा फिर 10 में होगा, तो 10 को 5 से डिवाइड करो 2 बार मिल जाएगा, 13 के अंदर कितने बार 5 होगा, एक 5 में होगा एक 10 में होगा, तो 2 बार होगा, इसीलिए बॉक्स ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, रीजन है, और 5 का नंबर कम होता है, 5 मिल जाएगा तो 0 मिल जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए इसको कैसे करना है, बहुत ईजी है, सीख कर जाओगे आज जो भी पढ़ेंगे, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा, वेरी गुड मेरे स्टूडेंट, बहुत खूब, वेरी गुड मेरे स्टूडेंट, बहुत खूब, बहुत खूब, फैंटास्टिक, सारे स्टूडेंट ने सही बताया, बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। कैसे करना है जी, ऑब्वियसली बहुत ईजी है, 100 है सर, 100 को 5 से बांटो, बॉक्स ले लो, 20 ही आएगा, बॉक्स का कोई काम नहीं, 20 को 5 से बांटो 4 आएगा सर, 4 को 5 से बांटो 0 आएगा सर, मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो 20 + 4 + 0 = 24। स्टूडेंट बहुत इजी है कि नहीं, मजा आया कि नहीं आया, गेट में प्रीवियस ईयर्स में ये सवाल आए हैं, तो अगर डायरेक्टली ये सवाल आएगा कभी तो आप जरूर ये कर पाओगे, इतना बिलीव रखिएगा, जरूर ये कर पाओगे, इतना बिलीव रखिएगा। ऐसा इसी टाइप का एक और एक सवाल कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पूछा गया है द मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इन 60 फैक्टोरियल, क्वेश्चन में हम सीरीज करेंगे लेकिन उससे पहले और एक सवाल कर लेते हैं, हम सीरीज जरूर करेंगे लेकिन उससे पहले और एक सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है जी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द मैक्सिमम पावर ऑफ 5, द मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इन 60 फैक्टोरियल, ऑप्शन आर 14, ऑप्शन बी इज 15, ऑप्शन सी इज 16, ऑप्शन डी इज 17। क्वेश्चन सेम ही है, अगर आप समझ चुके हो इस सवाल का भी जवाब कर पाओगे, तो देखिए सिर्फ ट्रेलिंग जीरो अगर आप पढ़ के जाते हो फॉर्मूला के तरह तो नहीं चलेगा, गेट क्या करता है क्वेश्चन चेंज करता रहता है, देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ 5 दे चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कंसेप्ट समझकर आप पढ़ चुके हो तो जरूर ये सवाल आप बता पाओगे जवाब, जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा। श्रद्धा चतुर्वेदी सेइंग सर सी,
श्रद्धा चतुर्वेदी सिंह सी, बट एके घोष इज सिंह 14, ममता जोलॉजी सिंह 14, वेरी गुड, शिखा इज सिंह सी, तो देयर मस्ट बी सम एम्बिग्युइटी जिसके कारण पे आपका डिफरेंट जवाब आ रहा है। छाया सिंह वेरी गुड 14, फैंटेस्टिक, बहुत खूब मेरे प्यारे दोस्तों। तो सिंपल काम क्या है आपका, आपका काम क्या है सर, 60 को 5 से बांटो। आपको हाई होप समझ में आ रहा है मेरे पढ़ाने के बाद कि ये मैक्सिमम पावर ऑफ 5 निकालना, नंबर ऑफ 0 निकालना सेम बात है। वी आर एक्चुअली फाइंडिंग नंबर ऑफ 5, दो का नंबर ऑब्वियसली उससे ज्यादा होगा, उतना ही दो बैक से लेकर रखे मल्टीप्लाई करोगे 0 उतना आ जाएगा। तो ये अगर करोगे तो 12 आएगा, 12 को 5 से करो यार तो 10, 2 आते हैं, 2 से 5, 2 को 5 से करो यार 0 आता है, 12 प्लस 2 प्लस 4 क्या होता है, 12 प्लस 2 प्लस 0 14 होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 14 आ जाएगा। आपको 0 क्यों आया बताइएगा जरूर। तो समझ में आया कि नहीं आया जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, इज इट क्लियर और नॉट, सबको समझ में आया जी हाँ या ना, सबको समझ में आया जी हाँ या ना। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स इफ इट इज क्लियर, वेरी गुड, गॉट इट सर, फैंटेस्टिक, बहुत गुड। तो बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, प्यारा कंसेप्ट है ये, क्या बताऊं आपको, वो जो खेल के आगे होता है ना कि थोड़ा जो वार्म अप सेशन चलता है, इट्स लाइक टुडेस वार्म अप सेशन, जस्ट शुरुआत हुआ है, वार्म अप हो चुके हो आप छोटे एक सवाल छोटे एक कंसेप्ट के साथ, हमने आज का क्लास शुरुआत कर, हमने आज का क्लास शुरू कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया ट्रेलिंग जीरोस ढूंढने का मामला क्या है, 5 का पावर ढूंढने का मामला क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर कोई पूछेगा आपको, समझ आया सर, वेरी गुड, ऑब्वियसली अगर कोई पूछेगा आपको 2 का पावर क्या है या 7 का पावर क्या है, तो आप समझ सकते हो व्हाट शुड बी द आइडिया, व्हाट शुड बी द आइडिया मेरे प्यारे दोस्तों। अभी चलिए बात करते हैं सीरीज के ऊपर, इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैंने सोचा जितना मुझे पता है, जितना आपको आपके लिए जरूरत है, क्यों ना आज हम इस क्लास में सीरीज के ऊपर डिस्कशन करें। देखिए CSI नेट और गेट के लिए एक तो होता है मिसिंग सीरीज जो आप पढ़ते हो, वो अलग बात है। मिसिंग सीरीज क्या होता है, मान लीजिए मैं अगर पूछ लूँ आपको कि एक नंबर है, लेट से 25, 36, 49, 81, तो ये गैप में क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा, 25, 36, 49 गैप क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए सर। किसी भी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये रूल, बिल्कुल सोनाल शुक्ला बिल्कुल कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि क्या नंबर पूछा गया है, ठीक है। अगर 7 लोगे तो 7 कहाँ कहाँ पर होगा, 7 के मल्टीपल में, अगर 2 लोगे 3 लोगे, हर एक नंबर के लिए ये आप कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अभी उसको उसको कहते हैं ना कि एक बात है, मतलब स्टेज में जाके उस वर्ड को क्या कहते हैं हम, मतलब मान लीजिए आप बहुत अच्छा डांस करते हो, अभी स्टेज में जाके जो आप उसके साथ करते हो ना, कुछ क्रिएटिविटी लाके लाते हो, तो वो अभी आपके ऊपर है, ठीक है। उसको कितना मॉडिफाई कर सकते हो, कितना तोड़ सकते हो, कितना जोड़ सकते हो, ये आपके ऊपर होगा, वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही बताया जी हाँ। 64 देखिए ये अलग चीज है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं बार बार पढ़ा चुका हूँ, ये आज नहीं पढ़ाऊंगा, ये बार बार पढ़ा चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट उतना गेट के लिए नहीं है, CSI नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सबको बताया ये पावर सीरीज है, 5 square, 6 square, 7 square और ये 9 square, तो ये 8 square होगा। इसके ऊपर मेरा बहुत लेक्चर ऑलरेडी है आपके चैनल में और बहुत स्टूडेंट देख भी चुके हैं। आज ये आइडिया जो है सर, मैक्स 2 पूछे तभी 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 पूछेगा तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपने बिल्कुल सही समझा ममता, ठीक है। अभी देखिए ये जो पावर साइकिल है, सॉरी ये जो मिसिंग सीरीज है, ये अलग बात है, ये आज का मामला नहीं है। आज हम सीरीज में क्या पढ़ेंगे, एरिथमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज, जो स्कूल में होता था ना, मतलब एरिथमेटिक सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज का साम के ऊपर चीजें जो है गेट में बहुत बार पूछा गया है। मैं आपको सवाल दिखाऊंगा गेट में क्या पूछा गया था, उसके अलावा मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि करने के लिए क्या नॉलेज जरूरी है। चलिए आपको अगर मैं क्वेश्चन करूं, मान लीजिए क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ इस टॉपिक का, अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते 100 तक ऐड करना है, इसका जवाब क्या आएगा। हालांकि यही सवाल को कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस, आपको पता है कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस के बारे में, हाँ या ना, कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस, डू यू नो अबाउट ग्रॉस, गॉस इज ए फेमस साइंटिस्ट। आपको बताया गॉस का जो रिसर्च है, चाहे फिजिक्स के फील्ड में हो
चाहे मैथमेटिक्स के फील्ड में हो, बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स हैं। तो ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस जब फोर्थ स्टैंडर्ड में थे तो उनके टीचर ने भी उनको ये सवाल पूछा था। ये एक बहुत ही पुराना सवाल है, सेंचुरी ओल्ड सवाल है। तो सेंचुरी ओल्ड सवाल क्या है, किसी को आप पूछ सकते हो कि एक से लेकर 100 तक अगर जोड़ेंगे तो उसका सम क्या आएगा, ठीक है। और कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस उन्होंने क्लास 4 में ही इसका जवाब बताया था एक बेहतरीन टेक्निक से। उन्होंने क्या किया था मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने बोला सर एक और 100 को देखो। अच्छा देखता हूँ यार, एक और 100 क्या होता है, 101। उन्होंने बोला सर 2 को देखो और 99 को देखो। ओके 99 और 101, बढ़िया बात है। सर 98 को देखो और 3 को देखो, क्या आता है, 101। सोचो कितना सोचा होगा, बेसिक सर 11 13 15 17। हाँ हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप, अच्छा डिफरेंस श्रद्धा चतुर्वेदी, हाँ हो सकता है डिफरेंस है, बट द थिंग इज दैट वो कंसर्न नहीं है, कंसर्न जो है उसमें फोकस करिए, ठीक है। कंसर्न है ये वाला सवाल और कार्ल फ्रेडरिक गॉस। उन्होंने क्या कहा, उतना क्लास 4 में पढ़ने के वक्त पे उनका, देखो ग्रेट साइंटिस्ट कैसे बनते हैं लोग, कि एप्लीकेशन चीजें सबको पता होता है बट कॉमन सेंस लगाकर चीजों को करना ही एक अलग बनाता है एक दूसरे से, ठीक है। अभी देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, 100 प्लस 1 101, 99 प्लस 2 101, 98 प्लस 3 101, 97 प्लस 4 101। तो ऐसे करते करते आपको कितना मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप देखोगे आपको फाइनली जाके यहाँ पे 97 से कम होता जाएगा और यहाँ पे 4 से ज्यादा होता जाएगा। तो कहाँ तक जाओगे आप यार, यहाँ पे 97 से आके मान लीजिए ये 51 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 हो गया, आ जाएगा 101। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो टेक्निक है, यही टेक्निक के माध्यम से उन्होंने देखा एक चीज कि ये जो साम है कितने बार आएगा, देखो 1 2 3 4 5, तो सॉरी 1 2 3 4 अप टू 50 तक आएगा, तो 50 टाइम्स ये चीज आएगा। तो 50 गुना 101 साम क्या हो जाएगा, 50 गुना 101 यानी 5050। मेरे प्यारे दोस्तों कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस ने क्लास 4 में ये चीज किया था, सोचिए जस्ट सोचिए। तो उन्होंने ये जो सोचा था इसको तो हम ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा जिसके माध्यम से किसी भी ऐसा साम को आप ऐड कर सकते हो। हालांकि अगर आप देखोगे इसमें गैप देखो इक्वल है, एक का गैप है, एक का गैप है, एक का गैप है, एक का गैप है। अगर ऐसे इक्वल गैप्स रहते हैं तो आपको आराम से पता है उस सीरीज का नाम क्या है, एरिथमेटिक सीरीज। पता है कि नहीं है, नेट के लिए पढ़ाया मैं एरिथमेटिक सीरीज, हाँ या ना। एरिथमेटिक सीरीज क्या होता है, जब दो नंबर के बीच में कॉमन डिफरेंस रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ाई करेंगे एरिथमेटिक सीरीज के बारे में। एरिथमेटिक सीरीज का नेचर क्या है, ए बी द फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर ए प्लस डी, ए प्लस डी क्यों, डी गैप हो गया, तीसरा नंबर ए प्लस टू डी। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों एरिथमेटिक सीरीज में ए जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम कहते हैं डी। कॉमन डिफरेंस जो है मेरे प्यारे दोस्तों उसको हम कहते हैं डी, कॉमन डिफरेंस जो है उसका हम कहते हैं डी। तो ए ए से डी हो चुका है, ए प्लस डी टू डी, डी हो चुका है। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ना पड़ेगा, ए प्लस थ्री डी हो चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हो डी डी करके आप आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसे अगर करते जाओगे तो वो एक एरिथमेटिक सीरीज का जन्म देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, एक है तीन है 5 है 7 है 9 है एंड सो ऑन। ऐसे जो सीरीज है उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा, 2 2 2 2, मतलब इस पर्टिकुलर केस में ए जो है 1 है और डी जो है 2 है। अभी देखिए ए 1 है तो ये ए है, ए प्लस 2 मतलब ए प्लस डी 3 है, ए प्लस 2 डी 5 है, तो वही स्ट्रक्चर मेंटेन हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम एरिथमेटिक सीरीज कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊं इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको देखना है इनिथ टर्म, इनिथ टर्म का मतलब सर इनिथ टर्म और कुछ नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ये है थर्ड टर्म, ये है थर्ड टर्म मतलब थर्ड नंबर टर्म, ये क्या है फोर्थ टर्म मतलब फोर्थ नंबर टर्म, इसको आप T4 T3 ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। तो हमको चाहिए TN, तो TN क्या हो जाएगा, क्या कोई कह सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों,
एन का वैल्यू क्या होगा, कोई कह सकते हो? अगर तीन के लिए होता है ए प्लस टू डी, अगर फोर्थ के लिए होता है ए प्लस थ्री डी, अगर सेकेंड के लिए होता है ए प्लस वन डी, अगर फर्स्ट के लिए होता है ए प्लस जीरो इंटू डी, तो एन के लिए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, ट्राई करिए। ए प्लस एन है, यहाँ पे चार था, तीन था, तीन था, दो था, दो था एक, एक था जीरो, मतलब एन माइनस वन इंटू डी। हाँ या ना, जोर से बताइए, यस और नो जोर से बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ए प्लस नॉट एम डी ममता, वेरी गुड ट्राई। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, नॉट एम डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ या ना बताइए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेरी गुड मेरे प्यारे दोस्तों। ये होता है अरिथमेटिक सीरीज। अभी अगर जो सवाल मैंने आपको कहा था, किसी ने आपको पूछा कि साम क्या है, साम ऑफ एन टर्म्स, मतलब जो एन तक हमने लिखा, साम ऑफ एन टर्म, इसको किसी ने एस एन भी कहा। एस एन मतलब एस फॉर साम और एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों एस एन मतलब एन टर्म्स का साम। तो एन टर्म का साम अगर आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन बटा डो टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत ईजी। देखिए एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, करते करते ये एन टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स से एन से डिनोट होता है। ए क्या है, पहला टर्म या फर्स्ट टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस मेरे प्यारे दोस्तों, सेकेंड माइनस फर्स्ट करके जो आता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर मेरे प्यारे दोस्तों। इसको अगर थोड़ा आप अलग तरीके से लिखोगे, यानी एन बाई डू प्लस ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो आप देखिए एक और बेहतरीन चीज आ जाता है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? यही तो लास्ट टर्म है, यही तो लास्ट टर्म है। तो आप इस फॉर्मूला को दूसरे एंगल से लिख सकते हो, एन बाई डू प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो ए और ये, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी लिख लीजिए, नोट इट डाउन, जल्दी जल्दी ये नोट कर लीजिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए होता है और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लास्ट टर्म होता है। तो कोई भी अरिथमेटिक सीरीज का अगर साम निकालने के लिए कोई कहेगा, तो इजीली आप अभी कर पाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन में अगर यही आइडिया मैं काम पे लगाऊं, क्वेश्चन में पूछा गया था एक से लेकर 100 तक साम क्या है। अभी देखिए मैंने सीख लिया एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये भी सीखा और ये भी सीखा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अभी देखिए क्या होगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा एक दो तीन चार अप टू 9900, क्या हो जाएगा इसका जवाब? जल्दी बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी करके बताइए, फॉर्मूला से करिए और बताइए। देखिए ये क्या है, ये आपका एरिथमेटिक सीरीज है, और एरिथमेटिक सीरीज क्यों है? क्योंकि गैप एक का है, गैप एक का है, तो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, मतलब ये आपका एक एरिथमेटिक सीरीज है। और एरिथमेटिक सीरीज में साम निकालने के लिए फॉर्मूला ही बताया गया है, एन बाई टू ए प्लस फर्स्ट टर्म बाई प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब यहाँ पे एक प्लस 100 मेरे प्यारे दोस्तों, कितना इजी है, 1 प्लस 100। और एन का वैल्यू क्या है, एक दो तीन चार करके 100 टर्म है, तो 100 बाई टू डिवाइडेड इंटू दिस, 50 इंटू 101, यानी 50। मजा आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबके पास एरिथमेटिक सीरीज का सम? जल्दी जल्दी मुझे बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी? सर इसका लेक्चर वन है, लेक्चर टू कहाँ मिलेगा? निशी शकील इसी चैनल में मिलेगा, अवेलेबल है, आप देखिए जरा इसमें अवेलेबल है, आराम से आपको लेक्चर वन लेक्चर टू मिल जाएगा। सिलोजिज्म वाज लेक्चर वन, लेक्चर टू वाज नंबर सीरीज। यस सर, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया, अभी जल्दी जल्दी मुझे बताइए जरा, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 27 मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू 27। जल्दी जल्दी बताइए इसका सवाल का जवाब क्या होगा, आपको सोचना है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। जल्दी जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। ए इज द फर्स्ट टर्म, टू इज द कॉमन डिफरेंस, अभी एन कितना है ये ढूंढना है। तो बता सकते हो क्या आप, एन कितना है क्या आप बता सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों? एन कितना है क्या आप बता सकते हो? एन कितना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो क्या आप बता सकते हो एन कितना है?
पूजा सिंह इज सेइंग 378, पूजा सिंह इज सेइंग 378, ममता नो 27 एन तो नहीं है। अब देखो गैप है दो का, एक दो तीन चार, तो सेकंड टर्म भारती कुशवा इज सेइंग 378। भारती कुशवा योर नेम इज वेरी वेरी नोन टू मी। भारती इसके पहले कहाँ पे क्लास कर चुके हो आप? नहीं, एन का वैल्यू 27 नहीं है भारती, एन इज नॉट 27, हाउ एन कैन बी 27? एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स स्टूडेंट्स, राइट? एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जैसे एक दो तीन, अगर पांच तक लेते तो तीन टर्म होते। इंशा इंशा इज सेइंग 13, श्रद्धा चतुर्वेदी इज सेइंग 28 इंटू 14 378। ठीक है, शंदा परियरी आल्सो सेइंग 378। नाउ योर रियल चैलेंज लाइज वेयर, योर रियल चैलेंज लाइज देयर मेरे स्टूडेंट, कि 27 यानी 27 कितने नंबर टर्म पे है, कितने नंबर टर्म पे है। और ये निकालना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है जी, बहुत इजी बात है। देखिए एक तो आपको फार्मूला से समझाऊंगा, दूसरी बात शॉर्टकट भी बताऊंगा। फार्मूला से कैसे करना है आपको मैंने बताया, लास्ट टर्म जो भी होगा वो है a into n minus 1 into d, अगर ये nth टर्म है। आपको तो n का ही वैल्यू चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, a का वैल्यू 1 है, n माइनस 1, d का वैल्यू 2 है। अब देखो 2 का डिफरेंस है 2 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों n माइनस 1 इंटू 2, मेरे प्यारे दोस्तों इसका वैल्यू 27 है, तो n माइनस 1 बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, 27 माइनस 1 26, तो n माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा 13, तो n का वैल्यू क्या होगा 14, तो n का वैल्यू 14 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर दिस इक्वल टू दिस करते हुआ कुछ नहीं है, सॉल्व करना है आपको आएगा, 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 27, 1 इस तरफ से लेकर जाइए उस तरफ 27 माइनस 1 26 हो जाएगा, 2 कट करिए तो ये 13 हो जाएगा, n माइनस 1 13 यानी n का वैल्यू 14। मेरे प्यारे दोस्तों 14 मेनी टर्म्स है, तो बिल्कुल सही किया आपने कि, लेकिन श्रद्धा आपको एक गलती हो गया, 14 बाई 2 होगा ना, देखो 14 बाई 2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी 28, आपका 28 बाई 2 इंटू 14, 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर क्या होगा, कल ही बताया आपको 14 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 14 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए, इसको बताएं 196। कैसे करना है 14 का स्क्वायर निकालने के लिए, 1 का स्क्वायर 1 वा 2ab, ये वैदिक मैथ का रूल है, कभी और सिखाऊंगा आपको, आज उतना टाइम नहीं मिलेगा, नहीं तो चलो यार सिखा देता हूं मैं। देखो किसी भी टाइम पे किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग कहते हैं कि आपको याद रखना चाहिए, मतलब कब तक याद रखना चाहिए, आपको 30 तक स्क्वायर याद रखना चाहिए। अगर याद नहीं भी रहता है तो आज आपको एक वैदिक मैथ का रूल सिखाता हूँ, वैदिक ट्रिक सिखाता हूँ, वैदिक ट्रिक टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ट्रू नंबर इन वेरी फास्ट वे। मेरे प्यारे दोस्तों मान लीजिए 12 का स्क्वायर है, क्या आता है आपको पता है, जल्दी जल्दी बताइए 12 का स्क्वायर क्या आ जाता है, व्हाट इज 12 स्क्वायर, व्हाट इज 12 स्क्वायर, जल्दी जल्दी बताइए व्हाट इज 12 स्क्वायर, सबको पता है ना 12 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बताइए 144, वेरी गुड 144। अभी देखिए ये क्या है, ये 12 का स्क्वायर आपको 144 पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है ये भी आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पता है कि नहीं है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बचपन में सीखा था आपने। अभी देखिए इसको हम ऐसे ही देखेंगे, यानी 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 10 प्लस 2 का होल स्क्वायर, मेरे प्यारे दोस्तों a स्क्वायर करोगे मतलब पहला 10 का स्क्वायर यानी क्या आएगा 100 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 10 इंटू 2, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस लास्ट 2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हो 100 प्लस 40 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा आप देख सकते हो, मैंने आपको बार बार बताया दिस इज एन इंडियन मेथड, इंडियन पीपल वेयर सो मच गुड विथ नंबर। आजकल हम लोग कैलकुलेटर यूज करके करके जो कैलकुलेटिव कैलकुलेशन का हैबिट है, इंडियंस आर गुड एट कैलकुलेशन, दिस इज अ नोन स्टेटमेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडियन पीपल आर गुड विथ कैलकुलेशन, इंडियन पीपल आर गुड विथ कैलकुलेशन। तो आपको अगर मैं बार बार कहूँ यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करके खुद का ब्रेन का खराब हालत मत बनाइएगा, इस साल में CSIR नेट में कैलकुलेटर नहीं दिया गया है, हो सकता है बहुत ही जल्दी गेट में भी ये हाल हो सकता है, बट गेट थोड़ा कैलकुलेटिव है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ज़्यादातर रहता है कैलकुलेटर, बट यू मस्ट बी गुड एट कैलकुलेशन अदरवाइज यू विल नॉट फील कॉन्फिडेंट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
ममता जियोलॉजी सर नहीं आ रहा है, प्लीज रिपीट। अरे नमता कहा कहा किया हमने अभी तक, किया कहा? आप फोकस करिए जो बात बता रहे हैं हम लोग, हम कुछ और कह रहे हैं। क्या रिपीट करूं? 10+2 जो है, 10+2 12 को ब्रेक करके लिखिए, उसको अगर स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 2 × a × b, 2 × 10 × 2 यानी हो जाएगा +2 का स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्तों ये 100 होगा, 2 × 2 × 10 40 होगा, +4 होगा। मैं ये कह रहा था इंडियन पीपल उन लोगों ने, आर्यभट्ट एंड टीम उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जीरो नहीं बनाया था जी, पूरा नंबर सिस्टम में ये भी बनाया था, ये यूनिट प्लेस होता है, ये 10 का प्लेस होता है और ये 100 का प्लेस होता है जो आप प्राइमरी सेक्शंस में पढ़ते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया कि 100 से बनता है ये नंबर, 4 10 से बनता है यह नंबर और 4 1 से बनता है यह नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए तो ये जो स्क्वायर करके नंबर आएगा इसके यूनिट प्लेस में 4 आना चाहिए, टेंस प्लेस में क्योंकि ये 40 है तो टेंस प्लेस में 4 आना चाहिए, और जो 100 प्लेस है उसमें 1 आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल तरीका क्या है, आपको इतना कैलकुलेट करके नहीं करना है। अगर मान लीजिए किसी ने आपको पूछा 13 का स्क्वायर क्या है, आप क्या करोगे, ए स्क्वायर, इसको ए पकड़ो इसको बी पकड़ो, ये ए ये बी, ए स्क्वायर यानी क्या होता है 1, पुट ए कॉमा, 2a × b, 1 × 3, 2 × a × b क्या होता है 6 होता है। मेरे प्यारे दोस्तों 6 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो आंसर क्या होगा 169। मजा आया कि नहीं आया जल्दी बताइए, फैंटास्टिक। 1 का स्क्वायर 1, 2 × a × b यानी 6, 3 का स्क्वायर 9। अभी मान लीजिए किसी ने पूछा 14 का स्क्वायर क्या होगा, मेरे प्यारे दोस्तों 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 × a × b 8, क्योंकि 2 × 1 × 4 8 होता है, और 4 का स्क्वायर 16। अभी इसमें 2 प्लेसेस है, 2 प्लेसेस नहीं रह सकता, 1 इधर पे कैरी ओवर, 196। मजा आया कि नहीं आया जल्दी बताइए। 23 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए और बताइए 23 का स्क्वायर क्या होगा, कमेंट करिए और बताइए 23 का स्क्वायर क्या होगा, व्हाट शुड बी 23 स्क्वायर, 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 4, 6, 5, 29, फैस्ट फैंटास्टिक मुस्कान गौतम, क्या बात क्या बात क्या बात, जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। बहुत इजी है सारे स्टूडेंट करिए, क्या करना पड़ेगा जी, 2 का स्क्वायर 4, 2 × a × b, 2 × 2 × 3 यानी 12, 3 का स्क्वायर 9, मेरे प्यारे दोस्तों 1 इस तरफ चला जाएगा, 5, 29। इतना इजी, मजा आया कि नहीं आया जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं आया, जल्दी जल्दी मुझे बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट 47 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए 47 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए 47 का स्क्वायर क्या होगा, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स 47 का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 47 का स्क्वायर क्या होगा, 47 का स्क्वायर क्या होगा, फोर्टी सेवन का स्क्वायर क्या होगा, 47 का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी बताइए, 47 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताइए। इंशा इंशा वेरी गुड, इट्स अ मेंटल टेक्निक, आप मेंटली भी कर सकते हो, मेंटली भी कर सकते हो सारे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बताइए। रेशमी दास, श्रद्धा चतुर्वेदी बताइए ये सीखकर आनंद हुआ कि नहीं हुआ, देखिए वी इंडियंस आर सो मच गुड एट कैलकुलेशन, कितना बेहतरीन टेक्निक बनाया था लेकिन ये स्कूल में सिखाया नहीं जाता है, इसीलिए हमारे मैथ वीक रह जाते हैं। ये दोष आपका नहीं है, सिस्टम का है, बिकॉज मैथ्स हम ऐसे बुक से सीखते हैं, दोज आर इंस्पायर्ड बाई ऐसे मैथमेटिक्स जो बाहर का मैथ्स है जिसका डेवलपमेंट बहुत बाद में हुआ है, एंड एंशियंट मैथमेटिक्स जो इंडियन मैथमेटिक्स थे उसको हम भूल चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। वैदिक मैथ इज एक्सेप्शनल थिंग, 3 मंथ्स तक पढ़ा सकता हूँ मैं ये जो चीज़ है वैदिक मैथ, ठीक है। मैं पढ़ाता था इसके पहले, आई टू ट्यूच स्टूडेंट फ्रॉम US, UK, दुबई, बहुत बाहर बाहर का स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बाहर का जितना भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के बच्चे हैं वो हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं, और इंडियन किड्स आर नॉट लर्निंग। मैं जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था सब बाहर के हैं, लंडन के हैं, US के हैं, स्कॉटलैंड के हैं, एंड दे आर लर्निंग दिस, ओके। तो ये समझना जरूरी है।
47 का स्क्वायर, तो ये कहाँ पे होगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 का स्क्वायर 16 होता है. 2 into a into b, 4, 2, 8, 8, 7 क्या होता है? 56, right? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देख सकते हो 56 आ चुका है और ये 49 आ चुका है. यहाँ पे 9 आएगा, 4 प्लस 56 0 आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2209. मजा आ गया हाँ या ना? जल्दी कमेंट करके बताइए जब आप आ गया 2209. कैलकुलेटर से आगे ये हो पाएगा ये मैं आपको वादा करता हूँ. कैलकुलेटर से आगे होगा ये मैं आपको वादा करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट. तो थैंक यू सो मच. लेट्स क्या हो गया, थैंक यू सो मच. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, क्वेश्चंस में लौट के चलते हैं. तो देखिए यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 है, अभी आपको आएगा. समझ में आ गया? अभी चलिए सवाल करते हैं, कुछ सवाल करते हैं जो सवाल आए हैं जैसे सवाल आते हैं मेरे मेरे प्यारे दोस्तों. क्वेश्चन में पूछा गया है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 इज, बताइए 51 से 100 तक नेचुरल नंबर का सम क्या है? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 51 to 100 क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 51 to 100 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? बताइए जरूर. क्या बात, मुस्कान गौतम क्या स्पीड आपने लगाया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, आपको जरूर कुछ गलती होगा जी. अब एक बार चेक करके देखिए, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 51 to 100. इंशा इज सेइंग 3775, इंशा इज सेइंग 3775. ओके, श्रद्धा चतुर्वेदी सेइंग 3775, वेरी गुड, फैंटास्टिक. तो क्या करना पड़ेगा जी? बहुत सिंपल बात है सर, 51 52 53 एक एक करके गैप है और लास्ट नंबर क्या है? 100 है. मेरे प्यारे स्टूडेंट कितने नंबर है ये समझना भी एक आर्ट है. 1 2 3 4 करते करते 0 तक जा रहे हो, मतलब नंबर ऑफ नंबर्स आर 50. तो मेरे प्यारे दोस्तों 50 नंबर है ये समझना है. अगर 50 से 100 तक काउंट करते हो तो 51 नंबर आते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है. 0 से 60 तक 11 नंबर आ जाता है, 61 से 40 बाकी 40 नंबर्स आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों. 51 से 50 नंबर्स आएगा, 50 भाग 2 प्लस पहला नंबर लास्ट नंबर, 51 प्लस 100 क्या आ जाएगा? 25 गुना 151. अभी देखिए 25 गुना 151, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? वैदिक ट्रिक बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, वैदिक ट्रिक बताता हूँ. देखिए आप कैसे करोगे, 100 है, 50 है, एक है, वैदिक मतलब ही डेसिमल नंबर का उपाय पे, मतलब यूनिट डिजिट, टेंथ प्लेस और हंड्रेड प्लेस. 25 गुना 100 मतलब 2500 आ गया, 25 गुना 5 मतलब 125 मतलब 1250. समझ में आ रहा है मेरे बातें हाँ या ना? बताओ हाँ या ना बताइए प्लीज, मेरा बातें समझ में आ रहा है? 25 गुना 100 यानी 2500, 25 गुना 5 यानी 125, लेकिन 5 10 थे, 5 10 थे तो 1250, 1 गुना 25 25 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों. ये ऐड करना तो बच्चों जैसा गेम है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे. अब ऐड किसी भी हालत पे कर सकते हो, मैंने जैसे सिखाया 2 + 1 3 आएगा, 5 + 2 7 आएगा, 5 + 2 7 आएगा, 5 5 आएगा, तो 3775. ये इजी है या नहीं? आप जब तक कैलकुलेटर में करोगे तब तक ये मैं कर पाऊंगा. आप जब तक कैलकुलेटर में करोगे तब तक, सॉरी ये बार बार चला जा रहा है, आप जब तक कैलकुलेटर में करोगे तब तक ये मैं कर दूंगा. यार मैं तो और बेहतरीन करूंगा, 25 गुना 15 कर दूंगा. ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे करके आपको करना है. 25 गुना 15 करूंगा 3775 आ जाएगा, 25 गुना 1 करूंगा ऐड कर दूंगा 3750 के साथ, तो आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों. तो
ये बात है, ये बात है, आपको ये सीखना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही सवाल को करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सवाल में पूछा गया है द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, ये आपको आ जाएगा, ये करने का जरूरत नहीं है। चलिए ये सवाल कर लेते हैं, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200, विच आर मल्टीपल ऑफ, विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज, जो 100 से 200 के बीच में है। सर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ इसीलिए लाइव क्लास नहीं कर पाता हूँ, बाद में रिकॉर्डेड फॉलो करता हूँ, इट्स रियली रियली वेरी हेल्पफुल फॉर अस, थैंक यू सर, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल। तो हर दो, थैंक यू सो मच, इट्स इट रियली मीन्स अ लॉट, वार्म वेलकम फ्रॉम माई साइड, एंड आप ज़रूर आपका जो भी ड्रीम है वो कंप्लीट करिए, यू आर लैंड ऑफ द प्लेस, यू आर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, यू नो अ बर्थ प्लेस ऑफ मेनी ग्रेट पीपल, मेनी ग्रेट पीपल। सो अभी मुर्शिदाबाद में ही आई होप अरिजीत सिंह का भी घर है, एज यू नो अरिजीत सिंह इज ऑल्सो फ्रॉम मुर्शिदाबाद एंड ही इज डूइंग फैंटेस्टिक वर्क ऑल ओवर द इंडिया, राइट। हम चाहेंगे आप भी ऐसा ही कुछ करें कि सबको सब आपको पहचाने। मेरे प्यारे दोस्तों, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3, व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज क्या क्या होगा, इज 5000, ऑप्शन नंबर बी इज 4, ऑप्शन नंबर बी इज 4950, ऑप्शन नंबर 3 इज, ऑप्शन नंबर सी इज 4980, ऑप्शन नंबर डी इज 4900। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जवाब बताइए, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 का मल्टीपल है और 100 और 200 के बीच में है, इसका सम ढूंढना है आपको, इसका सम ढूंढना है आपको, जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा, जल्दी बताइएगा इसका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, जल्दी बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। What should be the correct answer of this question? What should be the correct answer of this question? Insha is saying B. Baki student bhi bataiye. Mamta is saying A. Mamta, so think about it properly. Shraddha is saying B. Sandhya is saying B. Reshmi is saying B. Okay, let's see. तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताया गया है 100 के बाद जो 3 से डिविजिबल है, मैं बार बार बता चुका हूँ 3 से डिविजिबल नंबर ऐसे होता है जिसका डिजिट सम करने से वो 3 से डिविजिबल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 100 के बाद 101 आता है, 102 आता है, देखो 101 में 1 प्लस 1 2 होता है, डिजिट सम 3 से डिविजिबल नहीं है। 102 में डिजिट का सम 1 प्लस 0 प्लस 2 3 होता है, तो ये डिविजिबल बाई 3 होगा। तो पहला नंबर जो डिविजिबल बाई 3 होगा वो होगा 102। हालांकि उसके बाद जो नंबर होगा ऑब्वियसली 3 डिफरेंस में रहना पड़ेगा, ये तो पता है आपको, 3 डिफरेंस में होने से 3 से डिविजिबल होता है, 2 डिफरेंस होने से 2 से डिविजिबल होता है, 4 डिफरेंस होने से 4 से डिविजिबल होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 108। ऐसे करके चलते जाओगे, कहां तक जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको देखना पड़ेगा 200 के आगे कौन सा वो नंबर है 3 से डिविजिबल है। 199 लोगे तो 19 होता है, नहीं होता है। 198 लेते हो 18 हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट नंबर 198 होगा, पहला नंबर 102 होगा। क्या यहाँ तक ठीक है, मेरे साथ हो आप? लास्ट नंबर 198 होगा और पहला नंबर 102 होगा। नाउ द कंफ्यूजन इज, आप लोग बार बार ये गलती, सर केमिकल साइंस के लिए भी है ये क्लास, हाँ जी पिंकी तिवारी, थंबनेल में क्या लिखा गया है, गेट एप्टीट्यूड, एनी गेट एग्जामिनेशन, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ गेट एग्जामिनेशन दिस इज हेल्पफुल, वेदर यू आर फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और इंजीनियरिंग साइंसेस,
एनी वेयर द सिलेबस इज क्वाइट सेम, डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग, डिफरेंट शिफ्ट, इट डजेंट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, इट डिपेंड ऑन शिफ्ट। आपके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर भी पढ़ सकता है, आपके साथ मैथमेटिकल साइंस का पेपर भी पढ़ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 102 से लेकर 198 तक ऑलवेज द रियल चैलेंज विल बी कि एन क्या वैल्यू है, इनिट नंबर अगर ये है तो एन का क्या वैल्यू है। तो जल्दी बताइए इनका वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं। नाउ आई विल गिव यू अ शॉर्टकट। मैंने आपको बताया था यहाँ पे शॉर्टकट ढूंढने का तरीका, 1 से लेकर 27 तक कितना वैल्यू है, आप देखिए 14 आ गया था। इसको जल्दी कैसे निकाल सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 1 है। आप क्या करोगे, आपको 27 माइनस 1 करना पड़ेगा, कितना आता है 26, उसको 2 से बांटो। क्यों 2 से बांटना है, क्योंकि 2 2 करके जा रहा है, तो क्या आता है 13, और उसके साथ 1 करो लास्ट में, तो क्या बन गया, जो नंबर्स रहेगा जो भी इनका रहेगा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर उसका डिफरेंस निकालो 27 माइनस 1 जैसा, डिवाइडेड बाय क्या करो 2 करो, मतलब जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस उससे डिवाइड करो प्लस 1 कर दो, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एन। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ईजी है, नथिंग इज डिफिकल्ट। मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ईजी है, नथिंग इज डिफिकल्ट। देखिए यहाँ पे क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू टी एन, तो टी एन माइनस ए करोगे मतलब दोनों का डिफरेंस निकालोगे, उसको अगर डी से डिवाइड करोगे ऑब्वियसली वो एन माइनस 1 आएगा, तो प्लस 1 करोगे वो डी आएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, बहुत सिंपल फॉर्मूला बन गया, सॉरी ये एन आएगा, फॉर्मूला बन गया फर्स्ट लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई डिफरेंस, प्लस 1 करोगे हमेशा यू आर गोइंग टू गेट एन। तो आपको एन का वैल्यू ढूंढना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 198 करो, 102 करो, डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस क्या है 3, 3 से डिवाइड मारो प्लस 1 करो, यानी 198 माइनस 102 आ जाता है क्या, देखो यार 96, 96 भाग 3 यानी आता है 32, 30 प्लस सॉरी 32 प्लस 1 आता है 33। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताइएगा। एन का वैल्यू आ गया है 33, आपको क्या चाहिए एन बाई टू, एन बाई टू प्लस 198 प्लस 102, 102 प्लस 198। मेरे प्यारे दोस्तों दोनों का सम 300 आता है, 300 बाई टू 150 आता है, 33 इंटू 150, 15 मल्टीप्लाइड बाई 33। मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है 15 गुना 3 45 यानी 450, 15 गुना 3 यानी 45, 450 प्लस 50 495। मेरे प्यारे दोस्तों जवाब आएगा 4950, वेरी वेरी गुड। कैलकुलेटर से ज़्यादा ज़्यादा कैलकुलेशन हमने सीखा। तो हाउ टू कैलकुलेट, दिस इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ, सर रिपीट कर सकते हैं, क्यों नहीं रिपीट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बता रहा हूँ 102 से लेकर 198 तक कितने नंबर्स है, तो ये निकालने का शॉर्टकट तरीके क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, जो सबसे ज्यादा लास्ट टर्म हो, तो आपको पता ही है ना साम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म गिवन होता है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, जो डिफरेंस आता है उसको कॉमन डिफरेंस से बांटो, कॉमन डिफरेंस मतलब जो आपका डिफरेंस आ रहा है, एरिथमेटिक सीरीज है तो डिफरेंस आएगा उससे डिवाइड कर दो, करके जो आएगा उसके साथ प्लस 1 करो, जो वैल्यू आएगा वही आपका एन है। एन अगर मिल जाता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, मतलब एन बाई टू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 102 है, लास्ट टर्म क्या है 198 है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा बाहर में, इन बाई टू 33/2, अब इन दोनों को ऐड करके 150 आते 300 आते हैं, 102 प्लस 198 300 डिवाइडेड बाई टू 150। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए ऊपर पे जो सम है ये 300 आता है डिवाइडेड बाई टू 150, 15 गुना 33 क्या होगा 15 गुना 3 450, क्योंकि 33 कैन बी रिटन एज 30 प्लस 3, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 450, क्योंकि 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 45 और 0 एंड 3 15 जा 45, तो 450 प्लस 45 495 और 0 आएगा एक 495, 4950। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जवाब क्या आ जाएगा 4950। समझ में आया ईशा, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो मेरे प्यारे स्टूडेंट बार बार यही चीज मैं कहता हूँ, जैसा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है अभी कोई हताश होने का कारण नहीं है, आप बस देखो ऐसा मुझे करना है, एटलीस्ट यू हैव टू नो ना कैसे करना है। अगर मैं आपके लेवल के जाके आपके द्वारा ही कराऊ तो आपको लगेगा वही हाईएस्ट लेवल है, राइट, वो हाईएस्ट लेवल नहीं है। यू कैन अचीव दिस लेवल ऑफ स्पीड एंड एट द एग्जाम हॉल यू कैन परफॉर्म सच थिंग्स। मेरे प्यारे स्टूडेंट थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आई कैन सी ब्राइट फ्यूचर ऑफ ऑल ऑफ यू दोज हु आर ट्राइंग कंटिन्यूअसली।
those who are trying to give their effort, obviously you can crack the exam and obviously you can excel in life. Obviously you can excel in life, चाहे area जो भी हो, आप हमेशा grow करते रहोगे क्योंकि आपके अंदर चेष्टा है. चेष्टा है यानी try है, आप try करते हो, आप try करते हो और लगे रहते हो. जो लोग लगे रहते हैं, समय देते हैं, उसी को जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलता है. मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. थैंक यू सो मच, लेट्स मीट टुमारो At 11 a.m. Goodbye.